हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी और आज हम बात करेंगे सी सेट पर, जो आने वाली यूपीपीसीएस है, जो एग्जाम संडे को है उसको लेके जो प्रैक्टिस सेशन है हमारा, उसको टारगेट करते हुए। तो यूपीपीसीएस में जो किस किस तरह के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो सी सेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का ना सी सेट नहीं हो पाता, फर्स्ट पेपर हो जाता है, तो देखते हैं। और सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका लेखपाल है या और भी जो आने वाली भी एग्जाम है, टैट सी टैट, वो भी देख सकते हैं। तो मैथ की जो प्रैक्टिस हो जाएगी और अपने आप को देख लें, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सारे आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे समझते हुए चलें। और तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, देखो, जब बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की 4x³ - 12x² + 14x - 3 इक्वल टू 2x - 1 से विभाजित होता है तो प्राप्त शेषफल है, तो क्या होगा? a हमारा 2/3, b हमारा 1/3, c हमारा 3/2 और d हमारा 2/7। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से देख लेते हैं भाई। जो हमें दिया होता है ना, जैसे फर्स्ट इसका जो ये है आपका, जो हमें दिया है 2x, जो इसमें हमें दिया हुआ है 2x - 1 = 0 दिया है, तो 2x = 1 और x = 1/2 निकाल लिया। अब देन पुटिंग इन इक्वेशन, देन पुट इन इन द इक्वेशन, इक्वेशन जो हमारी ये है इसमें रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं, तो 1/2, तो ये आ जाएगा 4 1/2 की पावर 3 माइनस के 12 1/2 की पावर 2 + 14x, एक्स की वैल्यू 1/2 - 3। तो ये सोल्व करेंगे, जब हम सोल्व करने पे आएगा हमारा जो 3/2, तो ये हमारा 3/2 कौन सा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, तो वीडियो को देखो भाई, लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले जो है ना टाइम में जो बहुत जल्दी नए नए कोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें फ्री में उपलब्ध कराने वाला हूँ, जो आपको पैसे देके मिलती हैं सारी चीज़ें वो आपको फ्री मिलेंगी, ऑफकोर्स फ्री सारी चीज़ें, जो कमेंटमेंट है मेरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है भाई, यदि दो पदों एक्स, जो दो पद है हमारे एक्स वाई का जो मैस है और लेस है, ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ, जो ए और बी हो, तो ए प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट करना है। तो भाई पहला ऑप्शन है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा है 2a² + b², सी हमारा है a² + b² और डी हमारा a² + 2b². तो देखते हैं भाई इस जो इक्वेशन को। अच्छा भाई, हमारा जो दिया हुआ है हमारा एस सी एफ है हमारा जो मैस है बोल सकते हैं एस सी एफ को, तो ये a है, और जो एल सी एम है ये हमारा b है, तो हम वी नो दैट LCM into HCF इज इक्वल टू मल्टी, दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों का नंबर की है मल्टीप्लिकेशन, इसको बोल देंगे। तो अच्छा, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं भाई, A इंटू बी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, जो हमें दिया हुआ है, यदि हम इसका जो स्क्वायर कर दें, अब दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अब दोनों तरफ का स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab और इधर हो जाएगा x² + y² + 2xy, ठीक है। और हमें दिया हुआ है भाई इसमें कि भाई a इंटू बी इज इक्वल टू एक्स वाई, तो इसमें रखो वैल्यू में, इसमें यहाँ पे रखेंगे तो a² + b² यहाँ पे रखा 2xy और x² + y² इज इक्वल टू 2xy, तो दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारा, ये हम बचा हमारा a² + b² इज इक्वल टू x² + y², तो यही तो हमें फाइंड आउट करना है, जिसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी हमें, ये रहा।
इसकी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये है। सी इज द करेक्ट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, देखो अच्छे से समझते हुए चले और नोट डाउन करते हुए चले और जो सोल्व करने की कोशिश करें भाई, तो भी क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो और कहीं अगर आपको लगता है कुछ जो कुछ प्रॉब्लम है या आंसर डिफरेंट है तो कमेंट कर सकते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व, और जो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस जो ट्वेल्व है, और थर्ड है हमारी इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस फिफ्टीन का जो मैस है ज्ञात करना है, एच सी एफ जो फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं इसमें भाई हमारा जो एच सी एफ, तो इसके जो पहले हम जो ये वाली इक्वेशन है इसके फैक्टर देख लेते हैं, फैक्टर तो सभी निकाल लेंगे आई होप, ऐसा तो है नहीं कोई कि भाई नहीं निकाल पाएगा। तो ये जो एक्स की पावर जो टू माइनस के एक्स माइनस के सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, इसका देख लेते हैं, सबके फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले वाले के फैक्टर आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस थ्री, और इसके फैक्टर आ जाएंगे हमारे जो एक्स माइनस थ्री और टू एक्स माइनस जो फाइव। करके दिखा देता हूँ एक के, चलो भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के ट्वेल्व, तो इस तरह से वो करना है कि भाई ये आ जाए ट्वेल्व आ जाए, ये जो एक्स को ऐसे बनाना, तो एक्स स्क्वायर माइनस के तो चार दिया बारह, फोर एक्स जो प्लस थ्री एक्स माइनस के ट्वेल्व, तो एक्स एक्स माइनस फोर और यहाँ पे थ्री कॉमन लिया एक्स माइनस के फोर, तो x माइनस के फोर कॉमन है तो x माइनस के फोर और x प्लस थ्री, तो ये इस तरह से आ गया। तो इसी से हम जो सारे फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया हूँ वाक को, जो इसके जो फैक्टर आएंगे हमारे दूसरे वाले, इसके जो फैक्टर हैं इसके आएंगे एक्स माइनस थ्री और टू एक्स माइनस फाइव। अब देख रहे हैं इसमें जो इनमें ना तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कॉमन नहीं होता ना वहाँ वन होता है, ठीक है, तो वन इज़ द आंसर। जैसे देख सकते हैं भाई इसे एक एग्जांपल के थ्रू और समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा भाई दो पाँच नौ, नौ का जो अगर हम एस सी एफ निकालते हैं तो क्या आता है, तो वन ही तो आता है। जब कहीं जो कॉमन नहीं होता ना तो हाँ उनमें जो एस सी एफ वन होता है, क्योंकि वन तो कॉमन होगा ही होगा, तो वन इज़ द करेक्ट आंसर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर फोर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो, और बहुत इजी भी है, यदि समझ में आ जाता है तो इजी है, नहीं तो बहुत हार्ड भी है, तो देखते हैं भाई। तो ये दिया हुआ है हमें, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, ए माइनस बी की फाइंड आउट जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो वैल्यू पुटिंग से सोल्व करेंगे इसे, वैल्यू पुटिंग मेथड से। ये क्या कहता है हमारा ये जो मेथड, ये कहता है तो इसमें जो वन प्लस वन इजिकल टू टू होता है भाई, वन प्लस वन, वन प्लस वन हमारा टू होता है, तो ये हमारा इसको वन कर जो हमारा ए अपॉन बी है प्लस बी अपॉन ए है इजिकल टू टू है, दोनों की वैल्यू वन करनी है हमें, इसकी वन करनी तभी तो वन है, वन और वन प्लस जो टू टू इक्वल टू होगी, ये एल एच एस है, ये हमारी आर एच एस है, ठीक है। अब ये तब कब होगी, जब हमारी ए इजिकल टू बी हो जाए और बी इजिकल टू वन, दोनों की वैल्यू वन हो जाए, तो वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन इजिकल टू टू, तो ए इज द जो हमारा करेक्ट है, तो नहीं ए नहीं इसमें जीरो आएगा, जीरो क्यों आएगा भाई, ए की वैल्यू जो वन हो गई हमारी, ए इजिकल टू वन बी इजिकल टू वन, तो ए माइनस वन बी इजिकल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस वन इजिकल टू जीरो, दैट इज द आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। तो भाई देखो सोचते हुए चले, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन में, अगर तुमसे आते हैं तो बहुत इजी है, नहीं आएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर फाइव है, यदि एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर जो वाई की पावर थ्री, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजिकल टू 72 और एक्स वाई इजिकल टू 8 है, जिसमें जो एक्स ग्रेटर देन वाई से, तो एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऑप्शन ए इजिकल टू 4 है, बी इजिकल टू माइनस के 4 है, सी इजिकल टू 2 है और डी इजिकल टू माइनस के 2 है। अच्छा तो भाई देख लेते हैं इसे भी, तो एक तो हमें गिवन है एक्स वाई इजिकल टू 8 है ये वाली, और दूसरी कंडीशन दी हुई है हमें एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और जो
तो और x माइनस वाई फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू पुटिंग से करेंगे सभी भाई। देखो इससे बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, नहीं तो देखो इसमें हालत खराब हो जाती है और जो इतना टाइम नहीं होता वहां पे जो। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, तो दोनों का ऐसा नंबर लेना है जिनका जो मल्टीप्लिकेशन समान हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो अब देखो इजी हो जाएगा, 4 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 8 इज इक्वल टू 72। और तो एक्स इज इक्वल टू 4 और वाई इज इक्वल टू 2, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो भाई ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 सी इज द करेक्ट आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6। भाई यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं और अच्छे से समझते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वह छोटी से छोटी जो संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18 तथा 21 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5, 8 शेष रहे। तो ए हमारा है 893, बी हमारा 995, सी हमारा है 1024 और डी हमारा 997। तो इसका जो बी इज द करेक्ट आंसर है, इसको भाई ए जो है हमारा बी। तो देखते हैं कैसे, इसको देख लेते हैं भाई। 18 से भाग करने पे शेष फल रहेगा, 18 से जो भाग करने पे जो शेष फल रहेगा भाग करने पे 5 रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं जो भाई 18 से होगी तो 9 से भी होगी, तो 9 इंटू 2 9 इंटू 2। अब देखते हैं इसे जब काटेंगे जब, तो ये हो जाएगा 9 से कट, 9 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, नहीं भी कट जाएगा 5, तो 5 ही बचेगा, ये बचेगा। तो इसे जो ऑप्शन वाले मेथड से करते हैं तो बी इज द करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है दंड आरेख जी, स्टेटिक्स का क्वेश्चन है। मैंने स्टेटिक्स की जो कल वीडियो शेयर की थी, तो जिसने नहीं देखी है तो मैथ वाले जो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, स्टेटिक्स पूरी कराई हुई है अच्छे से। और तो दंड आरेख क्या है, एक ए हमारा एक विमीय है, बी हमारा द्विविमीय है, सी हमारा विमा रहित है, डी हमारा बहुविमीय है। तो ये हमारा जो बी इज द करेक्ट आंसर है, ये हमारा द्विविमीय है, तो 2D होता है 2D, तो ये बार ग्राफ का है ये। अच्छा दंड आरेख को क्या कहते हैं, इसको बार ग्राफ कहते हैं, बार ग्राफ इंग्लिश में। इसमें क्या कहता है, देखो एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, तो इन्हीं पे दोनों पे बनेंगे ना ये, तो ये जो बनता है ना दैट इज कॉल्ड द दंड आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है चतुर्थक विचलन की कौन सा सूत्र है। तो ए इज इक्वल टू थीटा 3 माइनस थीटा 1 अपॉन 2, बी इज इक्वल टू थीटा 3 माइनस थीटा 1 अपॉन 4, सी इज इक्वल टू थीटा 3 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 और डी हमारा थीटा 3 माइनस थीटा 2 अपॉन 4। तो इसका हमारा जो ए इज द करेक्ट आंसर है भाई, तो इसको मैंने समझाया हुआ, तो ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा थीटा 3 माइनस जो अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रथम चतुर्थक जाना जाता है, क्या जाना जाता है प्रथम चतुर्थक, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, ए हमारा माध्यिका, बी हमारा निम्न जो चतुर्थक, सी हमारा जो बहुलक और डी हमारा जो तृतीय दशमक। तो इससे हमारा जो प्रथम चतुर्थक को जो निम्न चतुर्थक कहते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर है इसका। तो बी समझते हुए चलना है, क्योंकि ये जो है ना, ये इनको पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है कुछ जो मतलब याद करने हैं, जो डेफिनेशंस वगैरह होती हैं उनकी, तो जब हमें कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होंगे जब हमने पढ़ा होगा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों के प्रदर्शन से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं संबंधित है। ए हमारा आंकड़ों का जो संपादन, बी हमारा जो सांख्यिकी सारणिया, सी हमारा जो आरेख है और डी हमारा जो लेखा चित्र है। तो भाई ये जो है आंकड़ों का जो संपादन नहीं होता, क्योंकि जो तो बी ए इज द करेक्ट आंसर है इसमें, क्योंकि जो लेखा चित्र होता है वो पाई चार्ट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यदि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के जो क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें प्रतिशत लाभ बताना है। तो ए हमारा 9.0% है, बी हमारा 10.0% है, सी हमारा 10.1% है और डी हमारा 11.0% है। तो उसको देख लेते हैं भाई, अच्छे से समझ लेते हैं। ये बोल रहा है भाई जो 10 वस्तुओं का है, 10 जो है वस्तुएं हमारी थिंग्स हैं, वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है,
वो 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ये बोल रहा है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये 11/10, इसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस SP, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस CP। तो भाई अब हमें जो अगर लाभ निकालना होगा तो लाभ कैसे निकलेगा, तो हमारा ये हो जाएगा विक्रय मूल्य SP-CP, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 11-10 इज इक्वल टू 1। अब लाभ परसेंट निकालना हो, परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, लाभ जो प्रॉफिट है इनटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 1/10 इनटू 100 इज इक्वल टू 10%। तो 10% इज द करेक्ट आंसर है इसका, बी इज द करेक्ट आंसर है। तो देखो ये क्वेश्चन इस तरह के मैंने मिक्स लिए हैं, जिस जो सारे तरह के जो कवर करते हैं जो, तो अच्छे समझते हो चलना है अगर आपको पेपर सोल्व करना है तो। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, किसी श्रृंखला में दूसरी संख्या प्रथम संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की जो तीन गुनी है, यदि तीनों संख्याओं का जो समांतर माध्य 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या को बता रहा है, बताना है हमें। तो इसमें ये जो है हमारा 72, बी हमारा जो 66, सी हमारा जो 60, डी हमारा जो 54। तो इसमें देख लेते हैं भाई, ये कह रहा है हमारा, देखो ये इसका जो हमारा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझते हैं। थर्ड जो संख्या है और इसमें जो अनुपात है हमारा, दूसरी संख्या है अनुपात फर्स्ट संख्या, इसमें जो ये बोल रहा है 1:2:1, ये बोल रहा है क्वेश्चन हमारे से। अब इसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना सबको आती होगा रेशियो को, तो इसको बोल देंगे 1/2 × 3/5 तो इसका समा जाएगा जो 11। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 3, तो इसमें कितना हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा है इसमें जो सबसे बड़ी जो संख्या जो ये जो 72, तो ए इज द करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 13, एक कक्षा में कि एक समूह में लड़कियों की जो लड़कियों में 1250 जो संतरे बांटे जाते हैं, प्रत्येक लड़की की समूह की लड़कियों की संख्या के दुगने संतरे प्राप्त होते हैं, और समूह में लड़कियों की संख्या फाइंड आउट करनी है। ए इज इकल टू 25 है, बी इज इकल टू 45 है, सी इज इकल टू 50 है, और डी इज इकल टू 100 है। तो इसमें देख लेते हैं भाई, अच्छा लड़कियों की संख्या मान लेते हैं, जो लड़कियां हैं जो गर्ल्स हैं की संख्या इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 2x इज इक्वल टू 1250, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1250/2, तो ये हो जाएगा 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है भाई, ये 25 का, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 इज द करेक्ट आंसर, ये ए इज द करेक्ट आंसर है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि समझ में आ जाते हैं तो, और नहीं समझ में आ जाते तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी पड़ेंगे आपको। देखो समझते हुए चलना है एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्या कहता है हमारा, जो हमारा ए रेशियो, यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:6 और सी रेशियो जो डी इज इक्वल टू 11:9, तो ए इंटू डी का जो फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो देखिए उसको कैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन ऐसे करने लगेंगे तो ए इंटू बी करके तो बहुत लंबा पड़ेगा, उसके लिए ए इंटू डी डायरेक्ट निकाल देते हैं हम, जो पहली वाली लाइन में जितने भी अंक हैं उनकी गुना कर दो अपॉन फिर दूसरे वाले में, ए के लिए जितने पहली वाली लाइन में जो अंक हैं उनकी सबकी जो मल्टीप्लिकेशन करना, और डी के लिए जितने वाले इसमें हैं डी वाली लाइन में तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन करना, तो वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इसमें क्या कर लेते हैं, 3×5×11 = 4×6×9, तो इससे कट जाएगा, जो काटते हैं तो ये आ जाएगा 55:72, तो डी इज द करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, भाई चतुर्भुज है चतुर्भुज के, तो कितना होता है ये बी 360 डिग्री होता है, 90 90 90 90 चतुर्भुज इस तरह से, या फिर जो थोड़ा बहुत वैसे भी हो सकता है, अलग ये तो मान लिया समचतुर्भुज नहीं है इस तरह से,
और जो त्रिभुज कितने होता है, त्रिभुज का होता है हमारा जो 180 होता है, ये 180 सारा मिला के, तो याद रखना है। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और अच्छे से समझते हुए एक एक चीज़ को फाइंड करते हुए और करते हुए समझते हुए चलना है, कोई भी क्योंकि कुछ भी ये ना रह जाए कि भाई ये चीज़ नहीं कराई थी और ये नहीं हुई है। तो अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये समुच्चय का है, समुच्चय माध्य का है, तो देखते हैं। अच्छा, इसको तुम्हें करके बताना है, ये मैं बता देता हूँ इसका आंसर, जो आंसर इसमें से आएगा बी। अब इसको करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 17 या जो भी आएगा चलो बताना आप मेरे को इसको कमेंट करके कौन सा आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आता है, औसत वाला क्वेश्चन है, औसत माध्य का वाला है। औसत 2, 8, 3, 7, 4, 5 जो 6 की माध्यिका और 2 और जो 4, 3, 9, 6, 9 के जो बहुलक औसत मान ज्ञात करना। तो ए हमारा 7.5 है, बी इजिकल टू 6 है, सी इजिकल टू 5 है, डी इजिकल टू 4 है। तो औसत, औसत क्या होता है भाई, हमारा एवरेज क्या होता है, औसत जो हमारा कुल योग अपॉन कुल पद कुल टर्म। तो माध्य का एवरेज निकालने के लिए माध्य का कुल अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले डाटा को एक छोटे से बड़े की तरफ, 3, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8। तो ये जो माध्य का जाएगी 6 जाएगी, और बहुलक जो सीरीज में जो ज़्यादा नंबर जो रिपीट हुआ होगा वही हुआ जाएगा। इसमें रिपीट कौन सा हुआ है, 9 है। तो दोनों का औसत निकालेंगे, तो 6/9/2 = 7.5। तो ए इज द करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एक किसान ने 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 3600 रुपये का कर्ज लिया, और 4 वर्षों के अंत में उसने जो 4000 रुपये और एक गाय देकर जो अपना खाता साफ किया, उस पर गाय की कीमत क्या होगी, गाय की कीमत बतानी है। ए हमारा 1000 रुपये, बी हमारा 1200 रुपये, सी हमारा 1550 रुपये और डी हमारा 1760 रुपये। तो देखते हैं भाई इसमें। अच्छा, एक हमारा जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, आई इजिकल टू पी इंटू आर अपॉन आर टी अपॉन 100। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। सो तो इसमें निकाल लो कितना होगा, 3600/15 × 4/100। तो कितना आ जाएगा, ये सोल्व करने पर आ जाएगा 2160 रुपये। अब 2160 रुपये तो ये हो गया, और भाई यहाँ कर देता हूँ, 2160 और 3600 रुपये टोटल कितना हो गया, 5760 हो गया ये। अब 5760 में से ये 4000 निकाल दो रुपये जो इसने जो किया, तो कितना बचा ये हमारा 1760। तो 1760 जो गाय कीमत होगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 19, क्या कहता है, यदि किसी संख्या के को भाग तथा 2/7 को भाग का अंतर जो 50 हो, तो अच्छा ये भाग नहीं है, ये जो गलत प्रिंट हो गया, ये जो गुना है या मल्टीप्लिकेशन, या भी मल्टीप्लिकेशन है हो, तो संख्या जो 520 और बी इजिकल टू 540, सी इजिकल टू 500 और डी इजिकल टू 560, तो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी इसमें। तो ये क्या कह रहा है हमारा, वही संख्या है, मान लिया ये 3/8 है, और संख्या इंटू 2/7, तो ये एक्स है और ये वाई है, तो ये हमें मिल रहा है 50, ये कह रहा है। पहले समझना है अच्छे चीज अच्छे से, तो इसको मान सकते हैं हम 56। अगर इस तरह से मान लेंगे तो 38 = 21, तो ये आ जाएगा हमारा 56, 5 के उसमें, और ये आ जाएगा 56 × 2/7 = 16, तो ए इजिकल टू 10। तो डी इसमें जो 560 इज द करेक्ट आंसर है। थोड़े से लॉजिकली सवाल होते हैं, ये थोड़ा सोचने पड़ते हैं रख के, जो वैल्यू पुटिंग मेथड से हो जो। क्वेश्चन नंबर, जब प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें आती चली जाएंगी एक एक चीज। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी संख्या उसके 75% और उसके 25% का औसत जो 240 हो, तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। ए हमारा 280, बी हमारा 320, सी हमारा 360, जो डी हमारा 400। अब कोई हमें देखो ये क्वेश्चन पता है,
कोई भी संख्या है अपने आप में पूर्ण होती है, 100% होती है। एक तो ये, अब संख्या मान लिया 100 है, तो 100 का जो 100% है, अब देखो इसमें जो 100% प्लस 75% प्लस 25% कितना है हमारा, जो ये हमारा 240 दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन पट में, और जो ये हमारा है इसका 200% के लिए बोल रहे हैं अपॉन 5 = 240, और इसका 10% के लिए हो जाएगा, इधर कर देते हैं यहाँ पे 10% की जो बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 36, और इसका 100% का 360, एक जो जीरो लगा दो तो सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एक अष्टभुज के जो विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कितनी है संख्या, कितनी होती है अष्टभुज के जो विकर्णों की संख्या, a = 20, b = 21, c = 22, d = 28। तो अच्छा, तो इसमें निकालनी, अच्छा विकर्णों की संख्या, डायगोनल्स की, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n - n-3/2, और जो ये जो कुल भुजा की संख्या होती है n = हमें अष्टभुज 8 दिया है, तो 8 और 8-3/2, तो 8 × 5/2, ये 4 बार, a = 20, तो ए इज द 20 इज द करेक्ट आंसर है इसका। भाई देखो, और किसी का भी पूछ सकता है इसके अलावा, देखे तो अच्छे से नोट डाउन करना और समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 22, ये डिजिबिलिटी का क्वेश्चन है भाई, जब ये लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन भाई, जो सी सेट में, जब 5A7 में 335 जोड़ा जाता है तो परिणाम जो जो 8B2 हो जाता है, और 8B2 को 3 से विभाजित किया जाता है, ए का सबसे बड़ा जो संभावित मान क्या होगा, तो a = 1 है, b = 4 है, c = 2 है, और d = 8, ये हमारे फाइंड आउट करना है। भाई देखो, इसका जो आंसर जो है 4 आएगा, ये मैंने बता दिया। अब देखो, देख लेते हैं कैसे आएगा। आपको पता होगा कि 3 अंकों का जो योग से विभाजित होती है संख्या, तो वह संख्या इससे भी होगी, तो 382 से हो जाएगा 10 + 8, ये 12, और 2 से जब 15, इस तरह से देखेंगे चेक कर करके हम, तो ये अब देखो इसमें रखेंगे, ये हमारा है 5A7 + 335, ये हो जाएगा 882, तो 5A7 = 882 - 335, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4, तो 4 = हमारा जो आंसर है, यही हमारा जो हमें जो हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का देखते हैं भाई। एक्सीडेंट हो जाता है आपका अधिकारी जोर देकर कर कहता है कि आप कौन सा पूरा काम करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, सीमा के विस्तार के लिए पूछेंगे, जो समय पर समाप्त करने के लिए, या समर्थक का जो मुख्यालय को सूचित करेंगे, c = मुख्यालय का जो वैकल्पिक व्यक्ति को सुझाव देंगे कि आवश्यक कार्य पर जो कर सकता है, और d = ठीक होने तक जो दूर रहेंगे, तो इसमें जो सी इज द करेक्ट आंसर है। भाई देखो, तुम्हारा हो सकता है कुछ और भी हो, तो अपना जो कमेंट करके बताएं, तो ये मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 के अनुपात में, यदि उनका जो लघुत्तम समापवर्तक जो 240, तो संख्याओं से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या, तो देखो भाई ये नंबर है हमारे, ये जो 3 है और ये 4 है, तो छोटी संख्या 3 से भाग देने पे ये हमारी 60 होगी, 60 इज द करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, तो 476 से पूर्ण विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो a = हमारा ये 1046 476, b = 104722, और c = 1 × 0, और d = 47600। तो अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, ये इस तरह से दिया हुआ है, देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं, वैसे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबा बैठ जाएगा, 460 इनको ऐड करा तो 9520 आया इसका आंसर, और 476 और ऐड कर दिया तो इकाई अंक जो आता जा रहा है हमारा, जो 476 आ रहा है इकाई अंक, फिर जो आगे इसमें देखेंगे 476 में, फिर जो ऐड करेंगे, फिर जो 72, तो यूनिट जो अंक चेक कर लेंगे, तो हमारा 20 इज द करेक्ट आंसर। चीज निकालने का तरीका होता है ये नहीं कि नहीं 5 अंकों की सबसे बड़ी लिखो, फिर छोटी लिखो, फिर जो, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, नहीं फिर वहाँ से आ पाता,
कैलकुलेशन बहुत हो जाती है और फिर इतना टाइम भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है, एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने घर से 15 मिनट दूर, मिनट जो पहले स्कूल पहुंचता है, 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 9 मिनट की देरी से पहुंचता है, यदि उसकी स्कूल और उसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो ए इक्वल टू 8 किलोमीटर है, बी इक्वल टू 3 किलोमीटर है, सी इक्वल टू जो हमारा 2 किलोमीटर है और डी इक्वल टू 5 किलोमीटर है। तो इसके लिए भी देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। तो निकालते हैं इसको। अच्छा अब देखो ये फॉर्मूला याद रख लेना, जब दो दो टाइम दिया हो, एक जल्दी का और एक लेट का दिया हो, एक जल्दी का दिया हो और एक लेट का दिया हो, तो उन दोनों के बीच में निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दो दूरी डिस्टेंस इज इक्वल टू एस वन इंटू एस टू अपॉन चाल का अंतर, चाल का अंतर, अंतर इंटू समय अपॉन 60। तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 3 / 2 × 24 / 60, तो इज इक्वल टू 3 इज द आंसर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है भाई इसकी जो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 को देखते हैं भाई। 20 कुल मत, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों को ने चुनाव लड़ा, एक को जो 60% वोट मिले और वहीं जो वह 1600 मतों से जीत गया और डाले गए मतों की संख्या कितनी थी। तो कुल मत निकालने के लिए कुल मत होंगे 100%, परसेंट्स के हिसाब से हो जाएगा। देखो ये तो परसेंट परसेंटेज है, तो जीतने वाला है ये और ये एक तरफ, जो इसमें से तो हारने वाला होगा, इसमें से 100% में से जीतने वाला होगा, इसमें से हारने वाला और हारने वाला होगा। तो इसको मिले 60% मिले, ये क्वेश्चन कह रहा है इसको 40% मिले, तो अंतर कितना आ गया दोनों का, ये हमारा 20% और ये कितना है 1600, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा 80 के, और जो 100% भाई 1% इतना है तो 100% कितना हो जाएगा ये हमारा 8000 के। तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है इसका, डी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आता है जरूर इस तरह का, तो अच्छे से नोट डाउन कर लें और समझते हुए चलें, जिसको समझ में नहीं आया और जिसको आ गया है।